Hello friends, good morning to all of you. Today we will discuss about views of cell. Okay, we know very well that this is one of the important module of our section of our model verb. Friends, one thing which I want to tell you that in American English nowadays cell is not used. अमेरिकन इंग्लिश में क्या हो रहा है, सेल का यूज नहीं हो रहा है. दिस इज यूज्ड ओनली इन अ यूके. यूके में भी सिर्फ इसका यूज हो रहा है. यूनाइटेड किंगडम की जो हम लोग जो इंग्लिश हम लोग जो सीखते हैं, जो ब्रिटिश इंग्लिश सीखते हैं, यहाँ पे इसका यूज होता है. ओके, इसीलिए कभी कभी क्या लगता है हम लोगों को कि लगता है कि सेल अब समाप्त हो गया क्या, तो सेल समाप्त नहीं हुआ, इसका सिर्फ थोड़ा सा यूज कम हो गया है. ओके, अच्छा पहले क्या था, हम लोग आई और वी के साथ क्या करते थे, नॉर्मल कंडीशन में सेल का यूज करते थे फ्यूचर टेंस में, और बाकी हर जगह विल का यूज करते थे, ही सीट और सारे सब्जेक्ट के साथ. लेकिन अभी क्या हो गया है कि हम लोग क्या करते हैं, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे ही हो, सी हो, इट हो, दे नेम हो, कोई भी हो, हम लोग हर जगह विल का यूज करते हैं. वहां पे कहां पे, फ्यूचर के केस में, ठीक है. लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं सेल के जो हम लोग देखते हैं. आइए, जिसका पहला यूज हम लोग करते हैं वो करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए. क्वेश्चन पूछने के लिए जब भी किसी से क्वेश्चन पूछना होता है तो वहां पे हम लोग सेल का यूज करते हैं. तो आप कह सकते हैं कि सेल इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, फॉर आस्किंग क्वेश्चन. किस लिए यूज होता है, सबसे जो पहला यूज होता है कि जब हमें किसी से प्रश्न पूछना हो, जब किसी से प्रश्न पूछना हो तो आप किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे. जैसे मैं आपसे बोलूं कि सेल आई टर्न ऑन एसी, सेल आई टर्न ऑन एसी. अब यहां पे क्या हो रहा है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सेल आई टर्न ऑन एसी, कि क्या पूछ रहा हूं मैं कि एसी ऑन कर लूं या एसी ऑन कर लूं, मैं एसी ऑन करनी चाहिए, ठीक है. तो क्या हो रहा है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सेल आई टर्न ऑन एसी, क्या मैं एसी ऑन कर लूं. तो क्या हो रहा है, जब मैं किसी से सामने वाले से क्वेश्चन पूछता हूं या जब कभी भी सब्जेक्ट, स्पेशली यहां पे क्या होता है, जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो और आई और वी का ही यूज करते हैं, आई और वी का ही यूज करते हैं हम लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं. तो क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग सब्जेक्ट हमारा जनरली क्या होता है, आई और वी ही होता है. ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सेल आई स्विच ऑफ द टीवी, सेल आई स्विच ऑफ, ठीक है. कि हमें क्या करना चाहिए, क्या मैं टीवी को स्विच ऑफ कर दूं, ये भी क्या हो रहा है, हम क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, ठीक है. ऐसे ही हम लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं. जैसे मैं बोलूं आपसे, विच पेन सेल आई बाई फॉर हर, विच पेन सेल आई बाई फॉर हर, उसके लिए हमें कौन सी कलम खरीदनी चाहिए, उसके लिए मुझे कौन सी कलम खरीदनी चाहिए. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. तो जहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं जनरली, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, आई और वी होता है, तो वहाँ पे हम लोग सेल का यूज़ करते हैं. ये बात समझ में आई, मीन्स यू कैन से दैट जनरली सेल इज यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन वेयर द सब्जेक्ट इज आई एंड वी. ये बात समझ में आ गई. दूसरा जो इसका यूज़ होता है वो होता है डिज़ायर बताने के लिए. दूसरा इसको मैं बताता हूँ, मैं इसको आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है. जो दूसरा यूज होता है सेल का वो होता है डिजायर बताने के लिए. द सेकेंड यूज ऑफ सेल इज इफ वी हैव टू एक्सप्लेन आवर डिजायर. दो चीजें होती हैं, थोड़ा सा हम लोग उसको समझेंगे. एक होता है अपनी प्लानिंग, दूसरा होता है डिजायर. जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ आपसे कि मैंने प्लान किया है कि लॉकडाउन के बाद मैं जाऊँगा दिल्ली घूमने, ठीक है. लॉकडाउन के बाद मैं क्या करूँगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है. तो जब हम अपनी प्लानिंग बताते हैं तो वहां पे विल का प्रयोग करते हैं, और जब हमारी डिजायर होती, जैसे मैं बोलूं आपसे कि मेरी इच्छा है दिल्ली जाने की लॉकडाउन के बाद, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे. तो जब हमें क्या करना होगा, अपनी डिजायर बतानी होती है, जब अपनी हमें डिजायर बतानी होती है तो वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं, ठीक है. डिजायर बोले तो मैंने बताया आपसे क्या होता है, डिजायर मतलब बोले तो इच्छा. जैसे आई सेल गो दिल्ली, I shall go Delhi. अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपसे, ये क्या है, मेरी इच्छा है, ये कोई प्लानिंग नहीं है. इट इज नॉट अ प्लान, इट्स माई डिजायर. ये क्या मेरी इच्छा है, मतलब इच्छा मतलब समझिए, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, प्लान मतलब 100% मुझे जाना ही जाना, ये मेरी इच्छा है और मैं क्या करूंगा, जाऊंगा. जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा मैं तुरंत क्या करूंगा, दिल्ली चला जाऊंगा. जैसे मैं बोलूँ आपसे, राम शैल ईट मैंगो, राम Shall eat mango. अब देखिए मैंने क्या बताया आपसे कि राम shall eat mango. क्या करेगा, राम आम खाएगा.
यहाँ पे क्या, राम की आम खाने की इच्छा है, इच्छा है। ये किसकी डिजायर है? राम की डिजायर। किसका है की डिजायर है? आम खाने की डिजायर है। मतलब क्या हो रहा है कि राम क्या करेगा, आम खाएगा, ठीक है, 100%, क्योंकि उसकी डिजायर है तो वो क्या करेगा, आम खाएगा। तो जहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, डिजायर की बात करते हैं, वहां पे आई के साथ, या यहाँ वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, वहां पे क्या करते हैं, हम लोग सेल का यूज करते हैं। मीन्स इफ यू हैव टू एक्सप्रेस आर डिजायर, सो वी कैन यूज फॉर एक्सप्रेसिंग आर डिजायर सेल। हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल का यूज कर सकते हैं जब हमें अपनी डिजायर यूज करें। जैसे मैं बोलूं आपसे, आई सेल एबसेंट, आई सेल एबसेंट टुमारो। अब क्या हो रहा है, आई सेल एबसेंट मतलब क्या, ये मेरी इच्छा है कि मैं कल एबसेंट हो जाऊंगा, मैं कल एबसेंट हो जाऊंगा। ये क्या है, मेरी इच्छा है, ये मेरी क्या है, डिजायर है, ठीक है। तो जहां पे डिजायर होती है वो कहीं ना कहीं प्लानिंग से क्या होती है, सुपर सुपरलेटिव होती है। तो जहां पर हम लोग अपने डिजायर की बात करते हैं वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सेल का यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जो तीसरा हम लोग यूज करते हैं सेल का, वो करते हैं इन द सेंस ऑफ बनूंगा या होऊंगा, इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है। जो हम लोग तीसरा यूज करते हैं सेल का, वो करते हैं बनूंगा या होऊंगा। जैसे मैं बोलूं आपसे कि मैं टीचर बनूंगा, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं आपसे कि मैं टीचर बनूंगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, आई सेल बी टीचर। मीन्स हमने कहने का मतलब क्या है कि जो तीसरा यूज होता है सेल का, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सेल के साथ हम अगर बी का यूज कर ले तो क्या होगा, इसका जो सेंस होता है वो होता है तो बनूंगा या तो होता है होऊंगा, बनूंगा या होऊंगा, ठीक है। जब हम लोग सेंस में यूज करते हैं, किसके सेंस में, सेल बी का यूज करते हैं, किसके सेंस में, बनूंगा या होऊंगा। जैसे मैं अगर आपसे एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने क्या बोला आपसे, आई सेल बी अ टीचर, मैं क्या बनूंगा, टीचर बनूंगा। मैं क्या बता रहा हूँ आपसे कि मैं टीचर बनूंगा। जैसे अब इसी तरीके से हम और भी कह सकते हैं, ये तो हो गया बनूंगा सेंस में, ठीक है। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, होऊंगा के भी सेंस में यूज होता है। जैसे मैं बोलूँ आपसे, आई सेल बी इन दिल्ली। अब क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे बनूंगा की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात किस सेंस कर रहा हूँ, होऊंगा। आई सेल बी इन दिल्ली, आई सेल बी इन दिल्ली टुमारो। मैं कल कहाँ होऊंगा, मैं कहाँ होऊंगा, कल दिल्ली में होऊंगा, ठीक है। तो बात समझना है, यहाँ पे जो यूज हुआ है वो बनूंगा के सेंस में यूज हुआ है और यहाँ पे होऊंगा के सेंस में यूज हुआ है। तो जब हमें बताना होता है कि को, जैसे कि मैं बोलूँ आपसे ऐसे ही, अगर और हम इसके एग्जाम्पल्स देखें, तो मैं कह सकता हूँ क्या, राम सेल बी अ पोलिस, अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। लिखते पुलिस है, पढ़ते पुलिस है, ठीक है। राम सेल बी पुलिस, राम क्या बनेगा, पुलिस बनेगा। तो जहां पे हम लोग किसी के बनने की बात करते हैं वहां पे किसका यूज करते हैं, सेल के साथ बी का यूज करते हैं। मीन्स इफ यू हैव टू एक्सप्रेस इन द सेंस ऑफ बनूंगा एंड होऊंगा, एट दैट इंस्टेंट वी मस्ट यूज सेल बी। वहां पे क्या करेंगे, हम लोग सेल के साथ बी का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग सेल के साथ हैव का भी यूज करते हैं, सेल के साथ कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, ये तीसरा यूज समझ में आ गया। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, सेल के साथ हैव का भी यूज करते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी, हमें उम्मीद है। जो हम लोग तीसरा यूज करते हैं सेल का, वहां पे क्या होता है, हम लोगों को फ्यूचर प्रोमिस बतानी होती है। ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी आते हैं और हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज भी होता है स्पोकन इंग्लिश में। ओके, सो व्हाट हैपेंस, वी कैन यूज, और हम वी कैन यूज क्या, बल्कि हम लोग यूज करते ही हैं, सेल के साथ हैव का यूज करते हैं। सेल के साथ क्या करते हैं, हैव का यूज करते हैं, सेल प्लस हैव का यूज करते हैं। तो जब हम लोग सेल प्लस हैव का यूज करते हैं तो ये हमारी फ्यूचर प्रोमिस बताती है, फ्यूचर प्रोमिस। जब हमें कोई अपना, जैसे हमने कोई प्रॉमिस कर लिया, ठीक है, वो प्रॉमिस मैंने क्या किया कि मान लीजिए कि मेरे पास 2021 में एक मर्सिडीज होगी, ठीक है, मेरे पास क्या होगी, एक मर्सिडीज होगी, मैंने एक प्लान कर लिया। तो अब जो मैंने प्लान किया, ये प्लान कब का है, फ्यूचर का है। तो वहाँ पे किसका हम लोग यूज़ करेंगे, सेल के साथ हैव का यूज़ करेंगे। जैसे मैं कह दूँ आपसे सीधे, आई सेल हैव अ कार, एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई सेल हैव अ कार या मर्सिडीज, जो भी
जो भी आपकी कार पसंद हो लिख सकते हैं आप, आई शैल हैव अ कार इन 2021, आई शैल हैव अ कार इन 2021। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, हमने सेल के साथ हैव का मतलब फ्यूचर प्रॉमिस है क्या कि मेरे पास होगा, मेरे पास क्या होगा, कार होगा। कब कार होगा मेरे पास? 2021 में। तो जब हम लोग कोई भी फ्यूचर प्रॉमिस करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग शैल के साथ हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आई। आई शैल हैव अ कार इन 2021। ऐसे हम लोग और भी कह सकते हैं, जैसे क्या कह सकते हैं, राम शैल हैव अ साइकिल, राम शैल हैव अ साइकिल इन नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि राम के पास क्या होगा, एक साइकिल होगी। वो क्या कर, राम की, राम का ये प्रॉमिस है, फ्यूचर प्रॉमिस है क्या कि राम के पास एक साइकिल होगी, और वो साइकिल कब होगी, नेक्स्ट मंथ में होगी, अगले महीने में होगी। ठीक है, इसके अलावा एक हम लोग यूज़ और करते हैं सेल का, जो अंतिम यूज़ करते हैं, एक हम लोग इसके अलावा यूज़ और करते हैं, जो करते हैं सजेशन बताने के लिए, किसी को सजेस्ट करने के लिए। जब हम लोग सजेस्ट करते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, सेल का यूज़ करते हैं। जब हम लोगों को सजेशंस देने होते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, सेल का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपसे सेल वी गो नाउ, क्या कि हमें अब चलना चाहिए, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम लोगों को जब सजेशंस भी बताने होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे भी सजेशंस के लिए भी सेल का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोला आपसे एग्जाम्पल, क्या कि सेल वी गो नाउ, क्या करना चाहिए, क्या हमें अब चलना चाहिए, सेल वी गो नाउ। दो चीज़ें यहाँ पे, एक तरह से देखिए, एक तरीके से क्या हो रहा है, सेल वी गो नाउ कि हमें अब चलना चाहिए, एक तो हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दूसरा क्या कह सकते हैं, सेल वी गो नाउ हम सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें अब चलना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम लोग और भी कह सकते हैं कि सेल वी डांस, सेल वी डांस नाउ, हमें क्या करना चाहिए, डांस करना चाहिए। ठीक है, या सीधे बोले तो हम क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि सेल वी डांस, हमें डांस करना चाहिए। नाउ मतलब खैर, हालांकि अभी का है, इसके अगर हम लोग लोना ना लगाएं तब भी काम चल सकता है। ठीक है, तो जहां पे हम लोग सजेस्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं सेल आई, सेल यू सीट, सेल यू सीट, या सीधे सीधे कहें सेल आई सीट, कि मुझे बैठना चाहिए। मैं क्या, और एक तरह से मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, किसको सजेस्ट कर रहा हूँ, या तो कहें तो खुद को सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग जब जहाँ पे भी सजेशंस की बात करते हैं वहाँ पे क्या होता है, हम लोग सेल का यूज़ करते हैं। ऐसे हम लोग और भी कह सकते हैं, सेल आई ड्राइव अ कार, ठीक है, सेल आई सिट हेयर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं, सेल आई कम इन। तो जहाँ पे हम लोग सजेशंस की बात करते हैं वहाँ पे भी सेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे विल की।